गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कल हम लोग प्रोनाउन और उसके काइंड्स को पढ़ चुके थे और साथ साथ आपको पर्सनल प्रोनाउन भी पढ़ा दिए थे और उसमें बताया थे कि पर्सनल प्रोनाउन में सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आपके एग्जाम में कहां से पूछे जाते हैं। और आज हम लोग पॉजेसिव प्रोनाउन को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए बाबू कि पॉजेसिव प्रोनाउन कहते किससे है। माय डियर फ्रेंड्स, ये पॉजेसिव है, इसका पहले हम मीनिंग समझेंगे। पॉजेस मीन्स क्या होता है? रखना, अधिकार होना, और उसी पॉजेस से तो बना है पॉजेसिव, यानी जिस प्रोनाउन से अधिकार या संबंध का बोध होता है उसे पॉजेसिव प्रोनाउन कहते हैं। बात समझे? पॉजेसिव प्रोनाउन किसे कहेंगे? जिस प्रोनाउन से अधिकार या संबंध का बोध होता है उसे पॉजेसिव प्रोनाउन कहते हैं। जैसे हम कहे कि यह मेरा है, तो यानी इस पे मेरा अधिकार है। ठीक, पॉजेसिव प्रोनाउन के तहत आवर्स, माइन, योर्स, हिज, हर्स, देयर्स आता है। ठीक है, और इसको समझने के लिए हमें कुछ पॉजेसिव एडजेक्टिव के बारे में कुछ नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाता है। पॉजेसिव एडजेक्टिव, इसके तहत आवर, माई, यो, हिज, हर, देयर, इट्स आता है। ठीक है, जनरली पॉजेसिव प्रोनाउन में इस लगा होता है, यानी जिसमें जैसे योर है और योर्स है। आपसे कोई पूछे कि कौन पॉजेसिव प्रोनाउन है और कौन पॉजेसिव एडजेक्टिव है, तो योर्स इस लगा है ना, ये पॉजेसिव प्रोनाउन है, आर योर पॉजेसिव एडजेक्टिव। ठीक है, हम कहे हर अ हर्स, तो देखिए एच ई आर एस इस लगा है ना, तो ये पॉजेसिव प्रोनाउन है। एच ई आर इसमें एस नहीं है तो ये पॉजेसिव एडजेक्टिव। अब हम इसका थोड़ा सा कुछ मीनिंग जान ले। ठीक है, जैसे आवर्स और आवर, इन दोनों का मतलब हमारा, हमारी या हम लोगों का होता है। ठीक है, माइन और माई, इस दोनों का मतलब मेरा या मेरी होता है। योर्स और योर, इस दोनों का भी मतलब आपका, आपकी, तुम्हारा, तुम्हारी, आप लोगों का होता है। ठीक है, हिज का पॉजेसिव प्रोनाउन और पॉजेसिव एडजेक्टिव सेम होता है। ठीक है, लेकिन अंतर है कि जब पॉजेसिव प्रोनाउन के रूप में आएगा तो उसके बाद नाउन नहीं लेगा, और पॉजेसिव एडजेक्टिव के रूप में आएगा तो नाउन आएगा। हम आगे आपको क्लियर कर रहे हैं, अभी कुछ हिंदी जान लीजिए। ठीक है, और इसका यूज मेल के लिए होता है, यानी पुरुष के लिए होता है। अहर्स, अहर, इस दोनों का ही मतलब उसका, उसके होता है, लेकिन ये स्त्री के लिए आता है, यानी फीमेल के लिए होता है। और देयर्स और देयर, इन दोनों का मतलब उन लोगों का, उन लोगों की होता है। ठीक है, और इट्स इसका, इसके होता है, और यह सिर्फ पॉजेसिव एडजेक्टिव में यूज होता है, पॉजेसिव प्रोनाउन में इसका यूज नहीं होता। पहले इसका हिंदी समझ में आ गया। अब आप एक चीज देखिए कि कॉमन एरर आपके एग्जाम में कहां से बनेगा। ठीक है, देखिए पॉजेसिव प्रोनाउन ये जो है ना, यानी पॉजेसिव प्रोनाउन के बाद कभी भी नाउन नहीं आएगा। पहला कॉन्सेप्ट समझिएगा कि पॉजेसिव प्रोनाउन के बाद नाउन कभी नहीं आएगा। पॉजेसिव प्रोनाउन प्लस नाउन यदि देता है कहीं भी तो उसको गलत कर दीजिए, वो गलत है। और साथ साथ ये जानिए पॉजेसिव एडजेक्टिव अब प्लस नाउन होगा तो वो सही होगा। बात समझिएगा बाबू कि पॉजेसिव प्रोनाउन प्लस नाउन गलत है, अब पॉजेसिव एडजेक्टिव अब प्लस नाउन क्या है, सही है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखिए बाबू, माइन पेन दिया है ना, तो माइन क्या है, पॉजेसिव प्रोनाउन है। ठीक है, तो पॉजेसिव प्रोनाउन के बाद नाउन क्या सही होगा गलत होगा? हाँ बिल्कुल, आपने सही बताया, गलत होगा। ठीक, ऐसे ही माइन लगाते चलिए, आप कोई भी एग्जाम निकाल सकते हैं। और देखिए माई पेन, यहाँ माई के बाद क्या दिया है, पेन, माई के बाद पेन, पेन क्या है, नाउन है, नाम है ना, तो पॉजेस, ये माई क्या है, पॉजेसिव एडजेक्टिव है, तो पॉजेसिव एडजेक्टिव के बाद नाउन आएगा, तो ये सही है। एक चीज देख लीजिए, पॉजेसिव एडजेक्टिव के बाद यदि आप नाउन नहीं लिखिएगा तो गलत होगा। ठीक है, जैसे हम सिर्फ ये नहीं बोल सकते हैं माई, सिर्फ योर नहीं बोल सकते हैं, माई के बाद कुछ ना कुछ नाउन चाहिए, जैसे माई पेन, माई सिस्टर,
बात सुझे इतना समझ में। अब यहाँ पे एक हिंदी आपसे आप समझिए, ठीक है। जैसे मेरी बहन है, हम बनाएंगे कैसे? देखिए मेरी है और इसके बाद क्या दिया है, बहन नाउन दिया है ना, तो किसके बाद नाउन आएगा, पॉजेसिव प्रोनाउन के बाद या पॉजेसिव एडजेक्टिव के बाद? हाँ बिल्कुल सही कि पॉजेसिव एडजेक्टिव के बाद। तो हम क्या लिखेंगे, माई सिस्टर, माई दिया है, माई पॉजेसिव एडजेक्टिव, इसके बाद नाउन सिस्टर है, तो ये सही है। लेकिन यदि हम इसका बना दे माइन सिस्टर तो गलत है। गलत क्या है बाबू, कि माइन के बाद कभी भी नाउन नहीं आएगा, इसलिए हमारा ये गलत है। तो कॉमन एरर में कहीं भी आप कोई भी एग्जाम दे और उसमें पॉजेसिव प्रोनाउन के बाद नाउन लगा दे, जैसे योर्स, माइन, हिज, हर्स, देयर्स के बाद नाउन लगा दे, तो वो गलत है, उसको गलत काट दीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पे एक और देखिए, वो यह हमारा है कैसे बनेगा? हाँ देखो यह हमारा है, तो यह काम क्या लिखेंगे, दिस है का इज, उसके बाद हमारा है, हमारा के बाद कोई नाउन है नहीं है, जैसे हमारा के बाद स्कूल, दोस्त कुछ है नहीं है, ये हमारा के बाद नाउन नहीं है। तो जब नाउन नहीं है तो अब हम यहाँ पे पॉजेसिव प्रोनाउन का यूज करेंगे, और इसका बने क्या, दिस इज आवर्स, हमारा का क्या होगा बाबू, हमारा या हम लोगों का, आवर और आवर्स दोनों होता है, लेकिन अब नाउन होता तो हम लिखते आवर, नाउन नहीं है तो आवर्स, यानी दिस इज आवर्स, और दिस इज आवर यदि आप कहीं देखें तो वो गलत है। गलत क्यों है, हम आपको बताए ना कि आवर क्या है, पॉजिटिव एडजेक्टिव है, तो इसके बाद नाउन चाहिए, बात समझे। एक और देखिएगा, यह हमारा स्कूल है, तो हमारा के बाद देखिए बाबू क्या दे दिया है, स्कूल, क्या दिया है, स्कूल, यानी हमारा के बाद नाउन है, तो अब यहाँ पे हम क्या बनाएंगे, हमारा के बाद स्कूल दे दिया नाउन, तो अब पॉजेसिव एडजेक्टिव, पॉजेसिव एडजेक्टिव, तो इसका होगा दिस इज, यह का दिस, है का इज, हमारा स्कूल, आवर स्कूल, दिस इज आवर स्कूल। यदि हम यही लिखे कि दिस इज आवर्स स्कूल तो गलत है। तो बाबू आपके एग्जाम में कॉमन एरर कहां से करेगा क्वेश्चन, यही कि पॉजेसिव प्रोनाउन के बाद नाउन लगा देगा, तो जहां पे भी पॉजेसिव प्रोनाउन प्लस नाउन हो तो गलत हो। हम आपसे एक ट्रांसलेशन पूछ रहे हैं, आप बना दीजिए, कश्मीर हमारा था, हमारा है और हमारा रहेगा। हाँ बिल्कुल सही, कश्मीर वाज आवर्स, इज आवर्स एंड विल बी आवर्स, यह हमारा है, बनाइए। हाँ बिल्कुल सही, दिस इज आवर्स, दिस इज आवर गलत है, क्यों गलत है, कि हमारा के बाद नाउन नहीं है, बात सुन रहे हैं, तो पॉजेसिव प्रोनाउन क्लियर हुआ। अब नेक्स्ट देखिएगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, माय डियर फ्रेंड्स इस पे ज्यादा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन पूछने का सबसे ज्यादा चांसेस रहता है, ठीक है, इसलिए इसको ध्यान से समझिएगा, ठीक है। फर्स्ट हम देखेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ये जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है ये किस वर्ड से बना है, रिफ्लेक्ट से बना है, तो रिफ्लेक्ट का मतलब क्या होता है, परावर्तन कर देना। आप फिजिक्स में पढ़े होंगे रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट, यानी प्रकाश का क्या होता है, परावर्तन, यानी कहीं टकराएगा, अटकरा तो फिर उधर जाएगा, यानी रिफ्लेक्ट से ही बना है क्या, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, यानी यह प्रोनाउन क्या करता है कि वर्ब क्या जो असर होता है उस असर को सब्जेक्ट पे ही रिफ्लेक्ट कराएगा, किस पे, सब्जेक्ट पे ही, यानी जिस प्रोनाउन का यूज वर्ब के असर को सब्जेक्ट पर ही रिफ्लेक्ट करा दे, सब्जेक्ट पर ही डाल दे, तो उसको क्या कहेंगे, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। आपको एग्जांपल से एक समझ में आ जाएगा, जैसे वह खुद को मार डाला, तो मारा तो किसको, ये खुद को मार डाला, तो ये मारने का काम किस पे हुआ,
खुद पे, इसी पे, सब्जेक्ट पे ही। बात समझाया? वो खुद को बर्बाद कर ली, तो किसको बर्बाद की? खुद को, सब्जेक्ट को ही। यानी बर्बाद करना का ये जो काम किस पे, सब्जेक्ट में ही हो रहा है। सांप खुद को काट डाला, तो सांप काटा तो किसको, तो खुद को, अपने आप को। यानी वर्ब का असर किस पे हो रहा है, सब्जेक्ट में। तो जिसमें वर्ब का असर सब्जेक्ट में ही हो तो उसको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहेंगे। ठीक है, हम आपको इसको ट्रांसलेट करना भी सिखाएंगे। थोड़ा सा ये जानिए पहले, जैसे आई है तो इसका माई सेल्फ, वी का आवर सेल्फ, यू का योर सेल्फ भी होता है और योर सेल्फ भी होता है। ठीक है, दे का देम सेल्फ, ही का हिम सेल्फ, सी का हर सेल्फ, ईट का ईट सेल्फ, वन का वन सेल्फ। तो आप एक बताइएगा राम के लिए क्या होगा? हाँ बिल्कुल सही, क्या होगा? हिम सेल्फ। क्यों? कि राम क्या है, बॉय है, और बॉय के लिए हम क्या लिखते हैं, ही। सिंगुलर है राम, तो सिंगुलर के लिए मैस्कुलिन हो, सिंगुलर हो, तो हम क्या लिखते हैं, ही। तो ही के लिए क्या लगेगा, हिमसेल्फ। यानी राम के लिए क्या लगेगा, हिमसेल्फ। और अब आप बताइएगा सीता के लिए क्या होगा? हाँ बिल्कुल सही, हर सेल्फ। क्यों? आप बचपन से लिख रहे हैं, जहां पे भी किसी गर्ल का नाम आता है वहां पे क्या लिखते हैं, सी लिखते हैं। तो सीता के लिए क्या, सी। लेकिन इसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनाना है तो सीता के लिए क्या होगा, हर सेल्फ। अब आप बगल वाले बताइएगा राम एंड सोनी, इसका क्या होगा? हाँ बिल्कुल सही, आपका भी सही हुआ कि राम एंड सोनी एक से ज्यादा है, प्लुरल है, तो प्लुरल है तो वो चाहे मेल हो या फीमेल हो, या दोनों मेल हो या दोनों फीमेल हो, वहां पे प्लुरल के लिए कोई जेंडर की बात नहीं होता है। ठीक है, तो वहां पे ऑलवेज दे का यूज होता है, तो दे के लिए क्या लेगा, देमसेल्फ्स। तो यहाँ पे क्या होगा, देमसेल्फ्स। अब इसको हम ट्रांसलेट करना सीखते हैं। वह खुद को मार डाला, तो पहले हम सब्जेक्ट वह का क्या होगा, ही। अब मार डाला, खुद को मार डाला, यानी पूरा कहानी खत्म। तो किल, मार डाला पास्ट की बात है, तो भी टू, ही किल्ड हिम सेल्फ। ही के लिए हिम सेल्फ, तो ही किल्ड हिम सेल्फ। बात सुनिए, उसने अपने आप को बर्बाद की, सी रूइंड हर सेल्फ, सांप खुद को काट डाला, द स्नेक बिट इटसेल्फ। अब कुछ ऐसे वर्ब्स हैं जिसके बाद हमेशा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज होता है, उसको आपको माइंड में रखना होगा। ठीक है, देखिए अब्सेंट, अब्सेंट मीन्स क्या होता है, अनुपस्थित भी होता है और अनुपस्थित होना भी होता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, जब अब्सेंट, प्रेजेंट और बीजी, इसका यूज वर्ब की भांति हो तब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज होगा। अब्सेंट अनुपस्थित होना, अनुपस्थित नहीं, अनुपस्थित होना। प्रेजेंट उपस्थित होना, बीजी व्यस्त होना के रूप में हो तभी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज होगा। यदि बीजी का मतलब सिर्फ व्यस्त हो तो उसके साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज नहीं होगा। माय डियर फ्रेंड्स, समझने का प्रयास कीजिएगा, जब ये वर्ब की भांति यूज होगा तभी, एडजेक्टिव की भांति यूज होगा तो नहीं। आगे आपको समझ में आएगा, चिंता मत कीजिएगा। अवेल, कंटेंट, प्राइड, एंजॉय, इंट्रोड्यूस, एटीसी के बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज होता है, माइंड में रखिए। ठीक है, अब यहाँ पे एक दिए हैं कॉमन एरर, आप बताइए कौन सा पार्ट इसका गलत है। हाँ बिल्कुल सही, आप एक ही बार पहचान गए, यहाँ पे बी पार्ट गलत है। गलत क्यों है बाबू, कि ऑब्सेंटेड दिया है, यानी भी टू है तो, यानी वर्ब का काम कर रहा है, तो वर्ब का काम कर रहा है तो इसके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज होना चाहिए। तो ही ऑब्सेंटेड हिमसेल्फ होना चाहिए, तो हिमसेल्फ नहीं लगाया, जिसकी वजह से गलत कर दिया है। ठीक है, थर्ड नेक्स्ट देखिएगा, राधा सेड दैट शी हैड बीन ऑब्सेंट हरसेल्फ फ्रॉम द क्लास यस्टरडे। कौन सा पार्ट गलत है? बिल्कुल सही, इसमें
कौन सा पार्ट हमारा गलत है? सी पार्ट गलत है। क्यों आप बताइए ना? हाँ आप, क्यों गलत है? हाँ बिल्कुल सही कि ऑब्सेंट जो यहाँ पे है वो वर्ब का काम नहीं कर रहा है, ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है। तो जब एडजेक्टिव का काम करेगा तो उसके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज नहीं होगा। आप एक छोटा सा ट्रांजिशन आपको समझ में आएगा, जिससे आप बनाते हैं कि मैं अनुपस्थित था, आप क्या बनाते हैं? आई वॉज ऑब्सेंट, न कि आई वॉज ऑब्सेंट माई सेल्फ, बनाते हैं? नहीं बनाते हैं। यानी ऑब्सेंट वहां पे क्या है? एडजेक्टिव है। बात सुन यार, मैं कल उपस्थित था तो आई वॉज प्रेजेंट यस्टरडे, न कि आई वॉज प्रेजेंटेड माई सेल्फ यस्टरडे। एकदम माइंड शांत करके समझिए बाबू कि मैं कल उपस्थित था तो आई वॉज प्रेजेंट यस्टरडे आप बनाते हैं ना? आई वॉज प्रेजेंट माई सेल्फ यस्टरडे बनाते हैं? नहीं बनाते हैं बिल्कुल। हाँ क्यों? कि वहां पे ऑब्सेंट प्रेजेंट क्या? एडजेक्टिव का काम कर रहा है। और जब ये वर्ब की भांति यूज होगा तभी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज होगा। ठीक है, आगे देखिएगा। और कुछ ऐसे ही वर्ब्स हैं जैसे ओपन, सेल, फील, हरी, कंसेंट्रेट, जिसके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज नहीं होगा, जिसके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज नहीं होगा। यहाँ पे देखिएगा, आई फील माई सेल्फ बेटर टूडे, यहाँ पे फील दिया है और फील के बाद क्या आ गया है? माई सेल्फ। बाबू फील के बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज नहीं होगा, इसलिए यह सेंटेंस क्या है? गलत है। नेक्स्ट देखिए, माई सेल्फ कैन टीच इंग्लिश, ये सही है गलत? माय डियर फ्रेंड्स, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज सब्जेक्ट के रूप में नहीं होता है, इसलिए ये हमारा गलत है। तो सही क्या होगा? माय सेल्फ के बदले हम क्या लिखेंगे? आई कैन टीच इंग्लिश। सब्जेक्ट के रूप में तो इसका यूज नहीं होता है, तो सब्जेक्ट के रूप में क्या यूज होता है? आई, कल का बताया थे पर्सनल प्रोनाउन। यदि आप उस वीडियो को नहीं देखे तो देख लीजिए कहां पे हम नॉमिनेटिव फॉर्म का यूज करेंगे और कहां पे ऑब्जेक्टिव फॉर्म का यूज करेंगे। ठीक है, अगला है राधा विल टीच हिमसेल्फ, बताइएगा। बिल्कुल सही, ये हमारा हिमसेल्फ के वजह से गलत है। क्यों गलत है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के यूज कहाँ करेंगे? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का तो वहां पे यूज होता है जहां पे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों सेम पर्सन को इंडिकेट करे। तो राधा कोई गर्ल है और हिमसेल्फ से क्या पता चल रहा है कि कोई दूसरा बंदा होगा, कोई मेल होगा। यानी सब्जेक्ट अलग है, ऑब्जेक्ट अलग है। तो जब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट अलग है तो वहां पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज नहीं होगा। और यहाँ पे ऑब्जेक्टिव फॉर्म का यूज होगा तो हिमसेल्फ के बदले हम क्या लिखते हैं? राधा विल टीच हिम लिखते, तो हमारा सही।